जय हिंद। तो हेडिंग लगाते हैं रसायन विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके कुछ जीएस टाइप के बेसिक से जो सोर्स हैं, परिचय हैं, उसको हम पीछे दूसरे वीडियो में अपलोड कर चुके हैं काफी समय पहले। आप वहां से इसको स्टडी कर सकते हैं। काफी लोगों का कहना होता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, तो यहां से स्टार्ट करें। आप यहां से पढ़ें, केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जिसमें द्रव्य द्रव्य यानी पदार्थ की संरचना, संगठन एवं संरचना, संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रव्य की संरचना, संगठन एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा से आपको यह महसूस हो रहा होगा कि पूरी परिभाषा की एक शब्द पर, द्रव्य अर्थात पदार्थ पर टिकी हुई है। पीछे हम बता चुके हैं, अगर हम रसायन का शब्द विन्यास करते हैं, क्या करते हैं, शब्द विन्यास करते हैं, तो मिलता है रस धन आयन। और इसके शाब्दिक अर्थ में अगर जाते हैं इस विन्यास से, तो रसों का अध्ययन अर्थात रस यानी द्रव्य यानी पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाएगा, रसायन कहलाता है। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक एक शब्द से हुई है, जो कि ग्रीक के लैटिन भाषा का शब्द है। पीछे की वीडियो में उसको देख सकते हैं आप। फिर लौटते हैं, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं। द्रव्य के किस किस पहलू पर, तो सबसे पहले संरचना, फिर आपका संगठन, फिर आपका गुण हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि द्रव्य वास्तव में है क्या। तो हेडिंग लगाएंगे द्रव्य या पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में मैटर, द्रव्य की अंग्रेजी मैटर, और पदार्थ के लिए शब्द यूज किया जाता है सब्सटेंस कहा जाएगा। तो देखते हैं द्रव्य या पदार्थ क्या है। तो द्रव्य या पदार्थ दुनिया की हर वह चीज जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो आपका क्या कहलाएगा, द्रव्य या पदार्थ कहलाएगा। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यानी थिंग, जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, स्पेस ऑक्युपाई करे, और जिसमें भार हो यानी मास हो, वेट हो, भार हो, गरु फील करा जी कपड़ लग जावा, तो देहाती भाषा में कहें तो इस तरह से, तो उसे ही द्रव्य या पदार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी वस्तु, हमारा पसंदीदा है एग्जाम्पल, सबसे पहले जिसको हम लेके जा सकते हैं, चीटी उठा लो, पकड़ लो, लाइक चलेगा, लेकिन मापन करेंगे उसका तो उसका कुछ ना कुछ भार मिलेगा, और जहां पे चलती है स्थान कवर करती है, यहाँ हुआ 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 आगे से रो बना के चलती है, स्थान घेरे रहती।
इसके विपरीत अगर हम हाथी लेते हैं, उठा पाओ? नहीं, तो इससे फील हो स्पष्ट होता है कि उसमें भार है, और जहां बैठती है एकदम सारा कवर कर लेती है इस पर स्पेस। तो हाथी द्रव्य है, कोई भी चीज दुनिया का एक्स वाई जेड आपको जो भी दिख रहा है जिसमें स्थान घेरने की क्षमता और जिसमें भार है, सब कुछ क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ है। आगे देखते हैं, द्रव्य या पदार्थ तो हो गया। सपोज कीजिए हम कहीं से लाए यौ एक पदार्थ और धर दिए, रख दिए, और जहां पे रखे हुआ पार स्पेस कवर कर लिया, और ला रहे थे तो रास्ता में 2-4 बार सुस्ताए थे, ऐसे फील हो रहा है कि हमें भार है, मान लिया जाए सपोज टू बी, तो हम इसको कह सकते हैं द्रव्य या पदार्थ ये है। विज्ञान कहता है कि द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे कणों को कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। फिर कहता है कि अणु और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन कणों को कहा जाता है परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। अर्थात अगर हम देखें तो द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण यहां पर क्या मिल रहा है? परमाणु। तो सबसे पहले अगर किसी भी पदार्थ का निर्माण होना है तो परमाणु आएगा। परमाणु एक से ज्यादा हुए, 2 गो 4 गो, अनेक हुए, तो अणु बनाएंगे। ऐसे अणु कई सारे बन जाएंगे, एक से ज्यादा अर्थात 2 गो 4 गो, फिर अनेक हुए, तो द्रव्य या पदार्थ की रचना हो जाती है। तो द्रव्य या पदार्थ का की संरचना कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर देखते हैं कि कुछ इस तरह से आपका द्रव्य या पदार्थ होता है। अगला शब्द है संघटन। संघटन की बात करें अगर, तो द्रव्य का संघटक कौन हो जाएगा? संघटन मतलब जैसे मिलकर के बना हो, एक शब्द में कहें तो अवयव, घटक, जैसे मिलके बना हो। तो द्रव्य पदार्थ कैसे कैसे मिलके बन रहा है? अणु से और परमाणु। अणु बनाए परमाणु बनाए अणु, अणु बना दिए द्रव्य। तो अणु और परमाणु आपके ये क्या हो गए? द्रव्य या पदार्थ के घटक हो गए, संघटन हो गए। अगला प्रश्न है गुण। अगला शब्द क्या है? गुण। गुण किस पर निर्भर करेगा? इन्हीं परमाणुओं अणुओं के अर्थात कणों की व्यवस्था पर। कणों की व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि एकदम पास पास में है तो हो जाएगा आपका ठोस, अकण कुछ दूर दूर है तो हो जाएगा द्रव, अब बहुत दूर दूर है तो हो जाएगा गैस। तो ये हो जाएगा गुण पदार्थ का।